देवास से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस कप्तान ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली थाने के 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। चाय की दुकान संचालित करने वाले व्यक्ति की मौत के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एक सब इंस्पेक्टर, 2 एसआई, 1 प्रधान आरक्षक और 1 आरक्षक पर गाज गिरी, जहां कोतवाली थाने में कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। देवास से खबर, जहां पर पुलिस कप्तान ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली थाने के 5 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और चाय की दुकान संचालित करने वाले व्यक्ति के मौत के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 1 सब इंस्पेक्टर, 2 एसआई, 1 प्रधान आरक्षक और 1 आरक्षक पर गाज गिरी और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हमारे साथ में अमित बागलीकर जुड़ गए हैं। अमित, देवास से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस कप्तान की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मामला सामने आ रहा है कि चाय की दुकान संचालित करने वाले व्यक्ति की मौत के मामले में सस्पेंड किया गया है। क्या मामला है, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल अनुभव, बताना चाहूंगा कि 3-4 दिन पहले देवास के मोती बंगला क्षेत्र में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चाय बेचने, चाय की गुमटी लगाने वाले युवक की हत्या हो गई थी। उसके बाद सलंग अगर बात करेंगे, 2-3 दिन निरंतर चाकूबाजी की घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में चलती रही, जिससे नाराज होकर पुलिस अधीक्षक का कहना था कि कहीं, जब साधना ने कल रात पुलिस अधीक्षक से बात की तो उनका कहना था कि जो जिस मोती बंगला में जो घटना हुई, जो हत्या हुई है, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही सामने देखने को मिली और जो जनता का पुलिस पे विश्वास है उस पर कहीं ना कहीं विश्वास हटता जा रहा है, उसको लेकर इस तरह की कार्रवाई की गई। चूंकि अगर बात करेंगे एसआई की और एसआई की, तो उसमें जो बीट फॉरवर्ड थे उनकी भी लापरवाही देखने को मिली और एसआई द्वारा मौके पर जाकर न तो तफ्तीश की गई, न जानकारी ली गई, इसको लेकर नाराज पुलिस अधीक्षक ने कल 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है। जी अमित, अगर देखा जाए तो जैसे कि जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन अब आगे जो मौत हुई थी उसकी जांच की जाएगी, किस तरीके का खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा? बिल्कुल, अगर बात करेंगे उस युवक की हत्या की मौत के बाद की, युवक की हत्या उसके उसकी मौत हो गई थी, मौत के बाद में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बहरहाल अगर एक आरोपी फरार भी, अब देखना है कि पुलिस किस जांच तक पहुंचती है, पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार भी किया जा रहा है। अगर बात करेंगे जनता में भय की, तो पुलिस का जो जनता के प्रति रवैया होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं के बाद जो घटना घटती है तो जनता का एक विश्वास पुलिस पर उठता है, ये न होते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा इस तरह का कदम लिया गया है। और अगर बात करेंगे हम देवास में पुलिस अधीक्षक की, तो देवास पुलिस अधीक्षक निरंतर कहीं ना कहीं ऐसे काम कर रहे हैं कि जनता और पुलिस के बीच जो संवाद रहता है वो बना रहे। पर अब देखना है कि इस घटना के बाद जिस तरह से कल पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है, तो अन्य थानों पर पुलिस के बीच में हड़कंप मच गया, पुलिस कितना जनता के बीच में अपना रवैया किस तरह रखती देखने योग्य होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो देवास से खबर, जहां पर पुलिस कप्तान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इसी के चलते बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आ रही है। जशपुर